नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें। रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। इससे पहले खेड़ा को गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया था। खेड़ा रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। इंडिगो की प्लेन में मौजूद एक यात्री रंजीत कुमार ने मीडिया को घटना के बारे में बताया। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो FIR देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैरकानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस, वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुझबानी है, हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्व शर्मा कोई भगवान है जो मुझबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख कर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज़्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर पुलिस करवा रही है तो इस देश में ना प्रजातंत्र बचेगा और ना कोई कानून का तंत्र बचेगा। ना वो FIR बता रहे, ना वो पुलिस स्टेशन बता रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दे रहे, ना वो गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे। तो क्या है, हमें क्यों रोक रखा है? आप किसी जहाज को चलते हुए को ऐसे कैसे रोक सकते हैं? अगर पुलिस ही कानून में व्यवधान डालेगी तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मोदी जी का अहंकार अब सब सीमाएं पार कर चुका है और वो कांग्रेस के महाअधिवेशन में लगातार झूठे प्रपंच और अड़ंगे लगा रहे हैं। कभी हमारे लोगों पर ED की रेड करते हैं, कभी CBI भेजते हैं, अब पूरे के पूरे जहाज को रोक लिया है और जबरदस्ती रोक के बैठे। खेड़ा रायपुर जाने के लिए प्लेन में सवार हो चुके थे। इसके बाद स्टाफ ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ DCB का नोटिस है। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज होने की बात भी कही गई। इसके बाद उन्हें कहा गया कि आप फ्लाइट से नहीं जा सकते। मैंने कहा कि आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मैंने एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी DCP आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से DCP की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ DCP साहब की, आ जाए। चलिए अब सुनते हैं क्या बोले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकतंत्र की, देश के संविधान की रक्षा की है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो संविधान को कुचला जा रहा था, लोकतंत्र को कुचला जा रहा था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं।
संवैधानिक रूप से हम अपनी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे। आसाम की पुलिस दिल्ली पहुंचती है और पवन खेड़ा को जो है वो अरेस्ट करने के लिए आते हैं। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से जो है वो बयान देती है कि सिर्फ अनुरोध के उस पर आसाम पुलिस ने अनुरोध किया था, इसलिए पवन खेड़ा को प्लेन से उतारा गया। काश आसाम की पुलिस, दिल्ली की पुलिस इतनी तत्परता से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, रोल्ड होल्डअप्स के खिलाफ कार्रवाई करे, पत्रकारों के सामने कील के डंडे फेंके जा रहे हैं उनके लूटने के लिए, उनके लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई करे तो बेहतर होगा, समाज अच्छा बनेगा। कहीं ना कहीं जितने जमाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनके विरोधी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अनैतिक कार्रवाई करेंगे। क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कर दें।